हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं कटरा श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो हमारी सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 4:30 और हम लोग को निकलना है यहाँ से 6:30-7 बजे तक। तो मिलते हैं 6:30 बजे। गाइस अब हम सब लोग उठ चुके हैं और गाइस देखो हमारी पूरी फैमिली उठ चुकी है। अभी इधर भैया हैं, मौसी हैं, मौसा हैं, पापा मम्मी हैं और ये मेरी दीदी और भाई है और अभी चार लोग उधर सो ही रहे हैं। और कड़कड़ाती ठंड से जूझते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए कटरा। अब स्टेशन से बाहर आ चुके हैं, ट्रेन से पूरा बाहर आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए। तो गाइज ये हमारा होटल का रूम है, हमने ऐसे दो रूम लिए हैं और अब हम यहाँ पे नहाएंगे, धोएंगे, फ्रेश होंगे और उसके बाद हम अपनी चढ़ाई शुरू कर देंगे। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई के लिए हम और फिर उसके बाद हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी माता के जयकारे लगाते हुए। वी एंड सुमित आर हेडिंग टुवर्ड्स अर्ध कुमारी। देखो इंग्लिश मेरे को ज्यादा आती नहीं है, चल झूठा। अर्ध कुमारी की तरफ जा रहे हैं, आधे लोग घोड़े पर बैठ चुके हैं और बाकी ये सुमित ही है जो चल रहा है हमारे साथ और कुछ और है अपने भाई बंधु पीछे दिख रहे होंगे। हाँ ये है ना, क्या कह रहा है अपने ऑडियंस को? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। क्यों, तो कुछ कहने लायक नहीं बचा? इसकी हालत टाइट हो चुकी है। ये लोग लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं है, मैं क्या बोलूँ। तो तू लाइक सब्सक्राइब कराया वैसे देवी? ऐसा नहीं है, नहीं अभी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मन्नत होती है। माता के दर्शन के लिए आया हूँ। अच्छा, माता के दर्शन के लिए? ओह दैट्स वेरी गुड, चल ठीक है करते हैं माता के दर्शन। Let's see, फिर बाद में मिलते थोड़ी देर बाद गाइस। ओके बाय बाय, बोलते ऑडियंस को बाय। क्या सोच रहे हो तू? कुछ नहीं सोच रहा, थक गया? नहीं अरे मैं समझ, तू मैंने तेरे को एक चीज कही थी सीढ़ी से चलते। नहीं सीढ़ी से नहीं, क्यों? ज्यादा एनर्जी लगेगी। 526 सीढ़ियां तो थी, 526 यहाँ पे तू 1500 कदम चलेगा तब जाके पहुंचेगा, 526 सीढ़ियां चढ़ेगा। कोई बात नहीं, सेंसलेस बातें कर रहा हूँ अभी दिमाग में यही आ रहा है मेरे। कैमरा तो घुमा ले। अरे अभी अर्थ कुमारी जाना बाकी है, अभी अभी बहुत बाकी है, मतलब आगे रास्ते में आ चुके हैं। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, बहुत ही लिटरली पहुंचते हैं, चल पाते हैं। ये चलते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पैरों मंदिर तक भी पैरों की रेट में रहेगी। तुम्हारा तो पहली बार है ना? हाँ हमारा तो पहली बार है। ये देखो दे आर द फर्स्ट टाइमर्स गाइस एंड आई एम एक्सपीरियंस आर प्रोफेशनल, नहीं प्रोफेशनल, ये प्रो प्रोफेशनल यहाँ पे तो नहीं पड़ा। ये अमीर लोग हैं, अमीर लोग हैं, आई फोन लेके टिकटॉक बना रहे हैं, रील टिकटॉक नहीं, टिकटॉक इतना गंदा काम नहीं। कट कर देना प्लीज। वी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। ये क्या है? सारे बोलो मिलके बोलो, आवाज नहीं आई। जय माता दी। पीछे वाले जय माता दी, आगे वाले जय माता दी। आगे जा। क्या बोला तूने? अबे क्या इंतजार कर रहे हैं गाइस, हम लोगों ने सीढ़ियां पकड़ ली है दो मिनट में अपने भाई के कहने पे। वैसे भी है, आजा। जो 2 मिनट बोल रहे थे वो खत्म भी हो गई, खत्म भी हो गई। दिस वुमन इज स्लोअर देन टर्टल, नहीं स्नेल, स्नेल
लोअर देन स्नेह करियर हैशटैग करियर डिस्ट्रॉयड लाइक और सब्सक्राइब फॉर सस्ता पुष्पा अमन सामने 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 अभी हम रेस्ट कर रहे हैं आपको क्या लगता है हम कितने देर तक पहुंच जाएंगे अभी कितना बज रहा है अभी टाइम हो रहे हैं साढ़े चार नौ दस तक आराम से भवन तक कल पता है मैं इस टाइम पे क्या कर रहा था यही ब्लॉग की शूटिंग कर रहा था एग्जैक्ट 12 घंटे पहले भाई कॉफी खाओगे नहीं धीरे धीरे चलते हुए कैमरामैन सिम्मी के साथ सिम्मी नहीं सुमित मैं निंजा हटौड़ी आ गया हूँ पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार तो गाइस बस अब हम अधकुमारी पहुँचने वाले हैं यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू अधकुमारी सेक्टर मतलब ज्यादा दूर नहीं है अधकुमारी बस पास में ही है ये दीदी कच्चा बादाम पे एक डांस बहुत ट्रेंडिंग है वायरल जाएगा हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती गजब बेइज्जती है गाइस बस हम लोग पहुंचने वाले हैं अधकुमारी थक गए नहीं जान निकल गई सीढ़ियों से चल के नहीं सीढ़ियों लेकिन जाने के लिए बंदर जहां से अटैक कर रहे थे ना तो डेट्स वाय ये तो है बंदर लगा वाह नहीं तो उसका कोई डर नहीं था बस गाइस थोड़ा सा ही है फिर अधकुमारी पहुंच जाएंगे हम लोग ओके तो गाइस थोड़ी देर बाद मिलते हैं जय माता दी जय माता दी सारे बोलो जय माता दी 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 आवाज नहीं आई जय माता दी फोटोग्राफी का पोज हो रहा है बंदा देखो पोज कैसे दे रहा है स्माइल कर भैया जी स्माइल फाइनली गाइस वी आर अराइव्ड टू अधकुमारी हम लोग अधकुमारी पहुंच चुके हैं फाइनली गाइस वी आर अराइव्ड एट अधकुमारी थक गए हैं गाइस काफी अब थोड़ा यहाँ पे आराम वराम करेंगे फिर आगे माँ के भवन तक जाएंगे गाइस हमारी पूरी फैमिली आ चुकी है अधकुमारी पे तो गाइस अब हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं बहुत देर से कुछ नहीं खाया लगभग 4-5 घंटे से हम लोग भूखे हैं तो अब कुछ खाने जा रहे हैं पेट में कुछ जाना चाहिए हाँ भाई हम लोग भूखे ही थे हाँ गाइस अभी हम खाना खा के निकले हैं और रात बहुत हो चुकी है और जैसे जैसे रात होती जा रही है ठंडी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और फिर इसके बाद अपनी यात्रा को जारी रखते हुए हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे माता के भवन की ओर और लगभग 4.5 घंटे चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए माँ के भवन पे तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी के भवन पे आप लोगों को दिख रहा होगा और अब हमारा यहाँ से सारा फोन कैमरा सब जमा हो जाएगा तो इसके आगे का मैं आप लोगों को कुछ नहीं दिखा सकता तो मिलते हैं माता के दर्शन के बाद गाइस हम लोग माता के दर्शन कर चुके हैं और इंतजार में बैठे हैं कि कब सुबह हो और हम लोग भैरव घाटी जाएं क्योंकि हम लोगों को भैरव घाटी ट्रॉली से जाना है और ट्रॉली सुबह 7-8 बजे चलती है The next day.
तो गाइस अब हम लोग भैरव घाटी जाने वाले हैं, वो भी ट्रॉली से, और हम लोगों को टिकट मिल चुकी है। झूले की मजे आ रही है। देखो छोटू तो गाइस अब हम लोग भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं, गोरा मंदिर, और इधर भी अंदर फोन अलाउड नहीं था। और गाइस अब मैं आप लोगों को भैरव घाटी से कुछ अमेजिंग व्यू दिखाने वाला हूँ। माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम लोग नीचे उतरने लगे। हम सब लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए थे, इसलिए नीचे जाके हम लोग को एक ही काम करना था और वो था आराम करना। और जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग थके हुए थे, तो रूम में पहुंचने के बाद हम लोग सो गए। और अगली सुबह अपनी थकान और नींद पूरी करने के बाद हम लोग सुबह तैयार होकर कहाँ जाने लगे, वो तो आपको यही मोहतरमा बताएंगे। दीदी अभी हम कहाँ जा रहे हैं? शिवखोड़ी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? रास्ता देखो, रास्ता चलते चलते चलते, चलते चलते हो जाएगा हमें लेट, हम भरेंगे बीच में खाके कुछ अपना गाइस अभी हम लोग खाना खाने के लिए रुक रखे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो गाइस अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, पेट भर के। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था और अभी हमने पेट भर के खाना खाया है। और यहाँ का खाना गाइस सच्ची में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था, मजा आ गया। तो गाइस अब हम लोग शिव को रिपोर्ट चुके हैं और यहाँ से हमें जाने के लिए मंदिर तक पूरा 1.25 किलोमीटर चलना होगा, तो अभी हम चल ही रहे हैं। क्या तो गाइस शिवखोड़ी हमें ऐसे चल के जाना है। तो गाइस अभी हमें पता चला है कि आगे चढ़ाई 1.25 किलोमीटर नहीं बल्कि 3.5 किलोमीटर है, जिसका मतलब हमें 3.5 किलोमीटर चलना होगा। गाइस आपको पता है इसका नाम क्या है? जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। तो गाइस हम लोग शिवखोड़ी पहुंच चुके हैं और हम लोग को उस गुफा में जाना है। और गाइस अंदर फोन कुछ अलाउड नहीं है, तो हमें सारा सामान अपना क्लॉक रूम में रखना होगा। तो गाइस अब हम लोगों ने शिवखोड़ी के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने कमरे की तरफ। We'll be right back.
क्या वो करेगा लेके चढ़ावा सब कुछ त्याग के बैठा कहीं भक्त नहीं वो भला है ढूंढता गुण देखें गुण गाने नहीं।